खलील नसीम का पूरा ग्रुप तो काफी अच्छा मैच देखने को मिलेगा। पुलिस वर्सेस पत्रकार के बीच दोनों टी शर्ट एसीपी साहब भी उतरेंगे ना खेलेंगे। और रात में आ गई थी न्यूज हमको एसीपी साहब भी आ रहे बोल रहे हैं लेकिन मालूम नहीं अभी तक पहुंचे नहीं थोड़ा गेप करो ना अगर नहीं आया ना भाई इधर उधर सबका साफ आ रहा है अच्छा बोला अरे वो व्हाइट पहने वो कटिंग कटिंग नेशनल एंथम शुरू करेंगे भाई नहीं सर ये हेड ए बच्चा हेड 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 ट्रैफिक पुलिस डाउन बैठे सॉरी हम तो सब साथ में हैं मुझे पता है हम सब लोग जो है वो एक दूसरे की हमेशा मतलब सहायता जो है सहायता करते हैं एक दूसरे के ऊपर अपना ट्रस्ट है ट्रस्ट बिल्डिंग का ये काम है। और बेसिकली पत्रकार और पुलिस इनका मैच एक कॉर्डियल रिलेशन और बनना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सब लोग मिलके मुंब्रा में जो है वो हंसी मत का एक हमेशा एनवायरनमेंट जो है वातावरण जो है हमेशा रहना चाहिए। इसका एक सीधा एक छोटा सा एग्जाम्पल है और हम सब लोग यहाँ पर खेले मुझे लगा दोनों टीम ने बहुत अच्छा खेला और जो मैं भी पत्रकार के लिबास में आया था एक नंबर। ये बात ये है कि मतलब हम सब मिलके रहते हैं और कोई भी बात कभी कुछ लगता है कोई इश्यू हो कोई छोटा सा प्रॉब्लम हो जो आपको लगता है वो हमको आप शेयर करते हो हमको जो लगता है वो हम आपको शेयर करते हैं इससे और ज़्यादा रिलेशन में अच्छी मजबूती आती है। और एक मतलब मैंने जो बोला कि हैप्पीनेस का हंसी का एक अच्छा एक वातावरण यहाँ पर तैयार हुआ है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। जो भी मतलब ये जनता और पुलिस पत्रकार एक तो मतलब एक प्रोफेशन और ये पुलिस एक प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन हो गया बट ये जो है ये पब्लिक का रिलेशनशिप जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस पर पब्लिक के साथ भी कभी हम ऐसा एखादा कुछ ऑर्गेनाइज करने का हम सोच रहे हैं जैसे कि पुलिस की तरफ से वॉलीबॉल मैचेस हो ऐसा भी हम ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे कि जिससे क्या होगा कि पब्लिक जो है और पुलिस के पास आएगी अच्छे लोग पुलिस के पास आएंगे। जब अच्छे लोग मैं हमेशा बोलता हूँ जब अच्छे लोग पुलिस के साथ रहेंगे तो जो गुंड प्रवृत्ति के लोग हैं जो बुरे लोग हैं वो अपने आप दूर जाते हैं और जो जो कॉमन मैन का जो इशू है वो पुलिस को जल्दी से जल्दी समझ में आता है उसमें कोई बीच वाले आदमी की कोई जरूरत नहीं पड़ती वो डायरेक्ट आता है और हमारे पास आके अपना इशू रखता है और हम वो इशू जो है वो सॉल्व करते हैं। यही इसका मकसद है कि आपकी तरफ से जो भी आपको कोई जेन्युइन इशू लगे वो इशू आप हमको दे दीजिए हम उसको इशू को पूरा सॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे। आप रात में 2 बजे फोन कीजिए हम सब तैयार है मुंब्रावासियों के लिए। और आपके माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि पत्रकारों के माध्यम से आपका सहकार्य हमेशा रहा है कोई गलती होगी तो भी बताइए बट जो काम अच्छा हो रहा है वो भी जनता को बता रहना चाहिए और आपके माध्यम से जनता को कोई इश्यू होगा तो वो हमको बताइए हम 100% उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुंब्रा पुलिस जनता के लिए हमेशा तैयार है और कायदा सुव्यवस्था हमेशा आबादित रखने के लिए भी मुंब्रा हो गया और पुलिस और पत्रकार के बीच तुम साइड में हो जाओ जरा हो जाओ जरा पुलिस डिपार्टमेंट ने भी लिया पत्रकारों ने भी लिया पब्लिक ने भी लिया एक अच्छे और कॉर्डियल रिलेशन जो है मजबूती की तरफ इस मैच के जरिए बढ़ना शुरू हुए। मैं चाहूंगा कि मेरे तमाम पत्रकार साथी अब हमेशा प्रैक्टिस करें तो हम 15 दिन में कम से कम एक मैच जो है कभी मेडिकल प्रैक्टिस एसोसिएशन कभी व्यापारी एसोसिएशन कभी पुलिस इस तरीके से जो है हम खेल में भी मतलब आएंगे तो फिट भी रहेंगे वो हमारे पेशे के लिए अच्छा भी रहेगा। आज की हार जो है ये हार नहीं है क्योंकि हम तकरीबन 20-15 साल बाद खेले हैं पर अचानक इतने लंबे गैप के बाद खेले और 50 रन हमने मारे यानी हाफ सेंचुरी मारी है तो निराश होने का नहीं निराश होने का नहीं नेक्स्ट टाइम अपन डीसीबी साहब की टीम से फिर 4-8 करेंगे।